स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी ने विधानसभा में दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली देने और उनकी जमीनों का कम रेट होने पर अधिग्रहण को रोकने की मांग की। इसके अलावा दिल्ली में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने की मांग भी की। सरकार का ध्यान दिल्ली देहात और दिल्ली के किसानों की गंभीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सानी जी प्लीज। गांवों का लाल डोरा बढ़ाया जाए। 2012-2013 में सरकार ने ये फैसला ले लिया था, किसान की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटा या बेटी के नाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता है, वह भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया गया, उस श्रेणी में रख दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि उस श्रेणी से ट्रैक्टर को निकाला जाए और किसान यदि ट्रैक्टर खरीदे तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे।